Good morning, students. So we were on the topic, we were discussing the chapter biodiversity and conservation, and we were on the topic we have discussed till latitudinal gradients. So we know that latitudinal gradients are there, and in the tropics the diversity of organisms is high as compared to the temperate area, and the forests which are located in the tropical region like Amazonian forest are having large greatest biodiversity on earth. Now what is so special about the tropics? Tropics mein itni diversity kyun milti hai? Kyunki ye hypothesis is wajah se hai kyunki speciation ko time chahiye hota hai, aur temperate regions mein jo hota hai, टेम्परेट रीजन्स में तो ग्लेशिएशंस होती रहती हैं, बर्फ पड़ती रहती है, जिसकी वजह से स्पीशीज इवॉल्व नहीं कर पाती, बट स्पीशिएशन नई स्पीशीज नहीं बन पाती हैं. बट ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ ग्लेशिएशंस नहीं होती हैं. इस वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन्स अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स में, तो खूब टाइम मिल जाता है जिससे नई स्पीशीज बन पाती हैं. उसकी वजह से ही ट्रॉपिकल एरिया में देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज. नाउ द नेक्स्ट रीजन इज इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. खूब टाइम होता है ट्रॉपिकल एरिया में ताकि स्पीशीज डाइवर्सिफाई हो जाएं. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, और सीजन्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में, वो स्टेबल रहते हैं और रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट और प्रिडिक्टेबल होते हैं. ट्रॉपिकल एरियाज का क्लाइमेट कॉन्स्टेंट होता है और लेस मोर प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हमें पता है कि किस टाइम पे कैसा सीजन वहाँ पर होगा. तो इतनी स्टेबिलिटी की वजह से ही स्पीशीज कॉन्स्टेंट रहती हैं और अच्छी और ज्यादा नई नई स्पीशीज वहाँ बनती रहती हैं. सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट्स नीश स्पेशलाइजेशन, उसकी वजह से नीश स्पेशलाइज होती रहती है एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी स्पीशीज की वहाँ बनती है. सी पॉइंट क्या कहता है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी, उस एरिया में ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और वो कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी. इसी वजह से जब प्लांट ज्यादा होंगे तो उन पे डिपेंड होने वाले एनिमल की लाइफ भी ज्यादा वहाँ होती है. तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज को ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए रीजंस हैं. पहला कि वहाँ टाइम वहाँ पर खूब मिला है विदाउट इन डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लेशिएशन, सो स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो स्पीशिएशन कैन अकर. सेकंड बिकॉज ऑफ द लेस सीजनल वेरिएशंस एंड द मोर स्टेबल एलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट था, उन्होंने एक अमेरिकन साउथ अमेरिकन जंगल में को उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल डिस्कवर किया, और उनमें उन्होंने एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में ये रिलेशनशिप ढूंढा, इसे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहते हैं. उन्हें ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी रीजन में स्पीशीज की रिचनेस देखी जाती है तो वो पहले तो स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, पर अप टू अ सर्टेन लिमिट, पर एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है. इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा, एंजियोस्पर्म देखे जाए, एंजियोस्पर्म की रिचनेस देखी जाए, प्लांट्स की, बर्ड्स की, बैट्स की, फ्रेश वाटर फिशेस की, सबकी रिचनेस एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर जाके रुक जाती है, टर्न आउट्स टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और ये रिलेशनशिप रेक्टेंगुलर हाइपर रिलेशनशिप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है. लॉगरिथमिक स्केल पे जब इस रिलेशनशिप को लॉग प्लॉट किया जाता है
स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो ब्लू कलर की लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टार्टिंग में तो एरिया बढ़ाते बढ़ाते स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है, बट लास्ट में एक लिमिट पे जाकर वो रुक जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। और फॉर्मूला बनता है एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, यानी कि वेयर एस इज स्पीशीज रिचनेस, सी इज वाई इंटरसेप्ट एंड ए इज एरिया, जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशियंट। तो दिस इज ऑन द लॉग स्केल, जब इसी ब्लू लाइन के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को लॉग स्केल पे प्लॉट किया जाता है तो पिंक कलर की लाइन जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो आपको ऑब्जर्व होती है। और उसका फॉर्मूला यानी इस ऊपर वाले फॉर्मूले को जब लॉग किया गया, लॉगरिथमिक स्केल पे लिया गया, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए फॉर्मूला बनता है। एंड यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी दी हुई है, इनका एस स्पीशीज रिचनेस है जैसे मैंने आपको बताया। देन इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजंस, वेदर इट इज प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर अमेजिंगली सिमिलर। तो सेम रीजन, किसी भी रीजन के लिए, चाहे ब्रिटेन में देखो, चाहे कैलिफोर्निया में देखो, चाहे न्यूयॉर्क में देखो, जेड की वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर्टिकुलर रीजन के लिए सेम आती है, सिमिलर आती है। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज, अगर आप बहुत ही बड़े एरिया में यानी इंटायर कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो स्लोप लाइन का बहुत ज्यादा स्टीप आएगा, जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब वो 0.6 से 1.2 तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्यूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के स्लोप को 1.15 तक भी देखा गया है। What do steeper slopes means? Steeper slopes का मीनिंग क्या है? ये पूछा है इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ज्यादा आपको स्टीपर स्लोप यानी कि ज्यादा रिग्रेशन कोफिशियंट वहां पे देखा गया, यानी कि ज्यादा रिलेशनशिप है वहां पर बड़े एरिया में स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, स्पीशीज अगर ज्यादा मिलती हैं किसी इकोसिस्टम में तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? डज द स्पीशीज नंबर रियली मैटर्स टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, दिस अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव आंसर्स। But many decade ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. Answer to abhi tak iska nahi dhoond paaye, but dekha gaya experiments ke through, to jis area mein zyada species ka number dekha gaya wo zyada stable dikhi as compared to the area jinke andar less species thi. Aisi communities jahan pe zyada species thi wo zyada stable dikhi. What exactly ecosystem stability means? अब इसका मीनिंग क्या है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का? अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि ऐसी कम्युनिटी जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर टाइम के साथ साथ ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते, इट इन प्रोडक्टिविटी में भी चेंज नहीं आता, साल के साल उसकी प्रोडक्टिविटी भी एक जैसी ही रहती है। इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैनमेड अगर डिस्टर्बेंस कभी आ भी जाए अचानक से तो वो उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, वो उसमें चेंज नहीं होती। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट आर लिंक्ड टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, हमें नहीं पता कि ये सब प्रॉपर्टीज किस तरीके से स्पीशीज रिचनेस कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस से लिंक करते हैं। बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी किया, आउटडोर प्लॉट्स के अंदर उसने बड़े बड़े एरियाज को स्टडी किया और टेंटेटिव आंसर्स ढूंढे हैं। टिलमैन ने ये ढूंढा है कि उसके प्लॉट्स में जहाँ पर ज्यादा स्पीशीज थी और उसमें लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आया टोटल बायोमास में, और उसने ये शो किया कि उसके एक्सपेरिमेंट्स में इंक्रीज डाइवर्सिटी ने हायर प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट किया, कि ज्यादा डाइवर्सिटी थी जहाँ जिन प्लॉट्स में स्पीशीज की वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ऑल्दो वी मे नॉट बी
we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for very survival of human race on this planet. हमें पूरा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं पता, अंडरस्टैंड समझ नहीं पाते कि किस तरीके से हर स्पीशीज की वैल्यू है इकोसिस्टम के अच्छे रखने में. बट हमें ये महसूस है कि महसूस होता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एसेंशियली नहीं इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बट बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल, खुद हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है. At the time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a species become extinct? इस वक्त हमें ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या जब इतनी ज़्यादा स्पीड से स्पीशीज ख़त्म होती जा रही हैं तो कैसे मैटर होता है, हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर स्पीशीज ख़त्म हो गई तो. Would Western Ghats ecosystem be less functional? क्या वेस्टर्न घाट्स जो कि अभी बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है वो खराब हो जाएंगे, उनका फंक्शन खराब हो जाएगा अगर एक भी ट्री फ्रॉग लॉस्ट हो गया तो. हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, हमारी जिंदगी कैसे के ऊपर कैसे असर पड़ रहा है अगर हमने ये कहा इंस्टेड 20,000 के हमारे पास सिर्फ 15,000 स्पीशीज रह गई एंट्स की, तो हमारी जिंदगी पर उसमें क्या असर पड़ेगा. देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नेव क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के कोई डायरेक्ट आंसर्स नहीं है, बट हम एक हाइपोथेसिस या एनालॉजी की समझ सकते हैं. ये चीज हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जिसे रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस बोला जाता है. रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो कि पॉल अर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट ने दी थी. एक एरोप्लेन को अगर हम इकोसिस्टम समझें और सारे पार्ट्स उसके एक दूसरे से स्पीशीज जो नट बोल्ट से जुड़े हुए हैं वो सारे नट बोल्ट एक एक स्पीशीज समझें, तो अगर पैसेंजर्स जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो एक एक नट बोल्ट निकालने लगे और अपने साथ घर ले जाने लगे जिसको हम ये सोचे कि स्पीशीज को खत्म करते जा रहे हैं, तो ये मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी. स्टार्टिंग में तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग इकोसिस्टम को असर नहीं करेगा, बट एज मोर एंड मोर रिवर्ट्स आर रिमूव, जैसे जैसे ज्यादा नट बोल्ट डीले होने लगेंगे तो वो एरोप्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा एक समय के बाद. फर्दर मोर अब एक बार वीक होने के बाद अब कोई भी एक भी अगर नट बोल्ट और निकला तो अब ये इकोसिस्टम के क्रैश होने के लिए बिल्कुल जिम्मेदार होगा और अब बिल्कुल बिना टाइम गवाए वो फ्लाइट क्रैश हो सकती है. और ये भी हमें ध्यान रखना है कौन सी रिविट को हम निकाल रहे हैं और कौन सी रिविट, क्योंकि हर नट बोल्ट का अलग इम्पोर्टेंस है. अगर हमने विंग्स पे रिविट्स को निकाल दिया जो कि की स्पीशीज हो सकती हैं जो इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए स्टेबल रखने के लिए बनाई गई हैं, अगर हमने उन्हीं रिविट्स को सबसे पहले निकाल दिया तो इकोसिस्टम बिल्कुल क्रैश हो सकता है. तो कुछ स्पीशीज जिनको जिन्हें की स्पीशीज बोलते हैं इकोसिस्टम के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सीरियस थ्रेट होती हैं इकोसिस्टम की सेफ्टी के लिए देन ऑन द सीट्स एंड द विंडोज इनसाइड द प्लेन. और अगर शीशे की रिविट निकाल दी या सीट की रिविट निकाल दी उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. तो कुछ स्पीशीज आर मोर इक्वल देन अदर स्पीशीज और सम स्पीशीज आर मोर इम्पोर्टेंट और मोर की स्पीशीज इन ड्राइविंग मेजर इकोसिस्टम. तो दिस इज द रिविट हाइपोथेसिस ऑफ गिवन बाय पॉल अर्लिक. नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीशीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पीसिएशन इनटू द अर्थस ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस. हम इसके लिए तो डाउटफुल हो सकते हैं कि नई स्पीशीज आई हैं कि नहीं आई हैं अर्थ पे, बट हम लॉस के लिए श्योर है कि लॉस तो हो ही रहा है. द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइंड रैपिडली, बायोलॉजिकल वेल्थ तो खत्म होती जा रही है प्लैनेट की और हमारे ऊपर उसका एक्विजिशन है कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किस तरीके से बायोलॉजिकल हेल्थ को नुकसान पहुँचा है. तो पैसिफिक आइलैंड्स में ह्यूमन ने जो एक्सटिंक्शन किया है वो 2000 स्पीशीज से ज़्यादा नेटिव बर्ड का एक्सटिंक्शन हो चुका है. आईयूसीएन रेड आईयूसीएन इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर नेचर ये एक रेड लिस्ट इशू करता है जिसके अंदर 2004 में इस डॉक्यूमेंट में 74 एक्सटिंक्शन स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की बात कही गई थी जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स थी, 59 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स लास्ट 500 साल में एक्सटिंक्ट हुए हैं ये लिखा हुआ था एक
एग्जाम्पल है कुछ, जैसे डोडो फ्रॉम मॉरिशस, मॉरिशस में डोडो बर्ड थी वो एक्सटिंक्ट हुई है, क्वागा अफ्रीका, थैलस एंड ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रीलर सी कव रशिया एंड थ्री सब स्पीशीज बाली जावन एंड कैस्पियन टाइगर ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं. द लास्ट 20 इयर्स अलोन हैव विटनेस्ड डिसअपीयरेंस ऑफ 27 केयरफुल एनालिसिस 27 स्पीशीज की 20 लास्ट 20 सालों में एक्सटिंक्ट हुई है. केयरफुल एनालिसिस रिकॉर्ड्स का dwindling Amazonian forest is estimated to produce photosynthesis 20%. So careful analysis हमें इन सब चीजों का कहता है कि बहुत सारे नेचर में ऐसी चीजें हैं जो कि continuously destroy होती जा रही है. तो हमें उस चीज को बचाना है. We have to stop these things. So reason shows the extinction across the taxa are not random. Page is this that careful analysis ये बताता है कि random जो taxa में अलग अलग taxa में जो extinction हो रहा है वो random नहीं है. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. कुछ ग्रुप ज्यादा vulnerable हैं, ज्यादा जल्दी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो extinct हो जाएंगे. Adding to the grim scenario of extinctions in the fact that more than 15,500 species worldwide वो threat of extinction को face कर रही हैं. Presently 12% all bird species, 23% of all animal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperms species in the world face the threat of extinction. Presently itni sari species alag alag groups ki 12% birds ki, 23% mammals ki, 32% amphibian, 31% gymnosperms ki world mein extinction face karne ki kagar pe hain, threat pe hain extinction. So threatened hain. So these this is the rough data of the Red Book. Now, from a study of history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared the scene. So, अलग-अलग ages में जैसे ice age में भी बहुत ज़्यादा extinction हुआ था. Dinosaurs जब extinct हुए थे तब भी बहुत mass extinction हुआ था. हम भी एक period अभी जो face कर रहे हैं उसे anthropocene कहते हैं. तो यहाँ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है. ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है अर्थ पे जो देखा जा रहा है. ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर आर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. हाउ इज सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स. द डिफरेंसेस इन द रेट, हमारे और उन एक्सटिंक्शन में फर्क है. हमारा जो अभी सिक्स्थ एक्सटिंक्शन चल रहा है उसमें रेट बहुत ज्यादा फास्ट है. करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट है 100 से 1000 टाइम फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स. हमारी एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा स्पीड से एक्सटेंशन हो रहा है. इकोलॉजिस्ट ने वॉर्न किया है कि दैट अगर प्रेजेंट ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ, आधी स्पीशीज अर्थ पे माइट वाइट आउट नेक्स्ट 100 ईयर. नेक्स्ट 100 ईयर्स में आधी स्पीशीज अर्थ से और गायब हो जाएंगी. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया में डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन ये सब कॉज करती है. अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है तो प्लांट प्रोडक्शन भी खत्म होती है. लोअर रेजिस्टेंस हो जाता है एनवायरमेंटल चेंजेस से, ड्रॉट आराम से आ जाते हैं, फ्लड आराम से आ जाते हैं. फिर तो रेजिस्टेंस इनको झेल पाने की शक्ति कम हो जाती है इकोसिस्टम में. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, ये सब वेरिएशन होने लगती हैं इनमें. प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन होने लगती हैं, पानी के यूज में वेरिएशन होने लगती हैं, पेस्ट ज्यादा हमले करने लगते हैं, डिजीज ज्यादा बढ़ जाती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो समझेंगे वो है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो ये क्यों होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है ये हम समझते हैं. तो पहला पॉइंट इसमें है, इसे ईवल क्वाटलेट भी कहते हैं. 4 ऐसे रीजन है जिन्हें हम कहते हैं कि ये बहुत मेन है. हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है ये एनिमल की एक्सटिंक्शन करने का.
मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल हैबिटेट लॉस का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पहले अर्थ में 14% एरिया अर्थ के लैंड सरफेस का इन रेन फॉरेस्ट से कवर रहता था, पर अब सिर्फ 6% रह गया है. नाउ दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, बहुत फास्ट स्पीड से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फॉरेस्ट. एमेजोन रेन फॉरेस्ट इतने बड़े हैं कि इन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, हार्बरिंग प्रोबेबली बिलियंस बिलियंस ऑफ species being cut and cleared for cultivating soya bean for conversion of grasslands for raising beef cattle. So काफी Amazon के forest के जंगलों को काटा जाता है जिससे वहाँ सोयाबीन उगा के और grazing के लिए beef cattle बनाने के लिए वहाँ पर जंगल साफ किए जाते हैं, तो उससे biodiversity को बहुत loss होता है. Besides total loss, degradation of many habitats by pollution also threatens survival of many species. सर्वाइवल स्पीशीज का बहुत खतरे में है व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. बड़ा सा एरिया अगर उसको फ्रैगमेंट्स में बांटा जाता है तो उसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, जब बीच बीच में जंगल के कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स बन जाते हैं, जंगलों के बीच में ह्यूमन अपने बड़े बड़े बिजनेस और होटल्स और इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, तो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो जाता है और इससे बर्ड्स और मैमल्स की एक्टिविटी को जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है वो सही से रह नहीं पाती हैं और माइग्रेटरी हैबिट्स भी उनकी खराब हो जाती हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन अब नेक्स्ट रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ह्यूमंस हमेशा ग्रीडी होता है, ग्रीडी नेचर है, तो बिकॉज उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है जिससे भी स्पीशीज को खतरा होता है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट रीजन जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द 500 ईयर्स. 500 सालों में बहुत स्पीशीज जो खत्म हुई हैं जैसे पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काउ, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हुई हैं. ज़्यादा यूज में ले लिया, ज़्यादा इनको एक्सप्लॉयट करा. प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, इनको ओवर हार्वेस्टिंग करा है फिशेस को और इंडेंजरिंग कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियल इम्पोर्टेंट स्पीशीज, और इसकी वजह से कमर्शियल स्पीशीज इम्पोर्टेंट स्पीशीज कंटिन्यू इंडेंजर में आ गई हैं. एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, जब एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस करी जाती है अनइंटेंशनली या डेलिब्रेटली किसी भी पर्पज के लिए, ना समझ जान कुछ के भी नहीं करी गई, ऐसे ही नॉर्मली किसी के कंटेमिनेशन के थ्रू अगर एलियन स्पीशीज भी आ गई किसी और कंट्री में, तो नाइल जैसा एग्जांपल है, उससे क्या होता है कि नेचुरल इंडिजिनस स्पीशीज खत्म हो जाती है. जो वहाँ की नेचुरल नॉर्मल फ्लोरा और फौना होता है उसको नुकसान पहुंचता है अगर कोई एलियन स्पीशीज वहाँ आती है, इन्वेड करती है किसी एरिया को. जैसे नाइल पर्च का एग्जांपल, नाइल पर्च एक फिश है जिसको लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में जब लाया गया तो उससे इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज मोर देन 200 स्पीशीज चिचलिड फिश की उस लेक में खत्म हो गई. यू मस्ट बी फैमिलियर विद एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोस्ड बाय अवर नेटिव स्पीशीज ऑफ इनवेसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास. हमारी नेटिव स्पीशीज में नॉर्मल फसलों में जो ये कैरेट ग्रास उग जाती है, गाजर घास, लैंटेना और वाटर हाइसिंथ नाम की जलकुंभी पौधे की जो जलीय पौधा है जो पूरा प्लांट पॉन्ड में पूरा फैल जाता है, तो इससे क्या होता है नेचुरल वहाँ के प्लांट स्पीशीज खत्म हो जाते हैं. इलीगल इंट्रोडक्शन जब अफ्रीकन कैटफिश का कराया गया, क्लैरियस गैरिपिनस, इसको एक्वाकल्चर के दौरान जब इंडियन वाटर्स में डाला गया तो इससे इंडिजिनस कैटफिशेस खराब हो गई, इंडियन कैटफिशेस खत्म हो गई थी हमारी नदियों की. तो ये एलियन स्पीशीज का इन्वेजन एक पॉइंट होता है जो स्पीशीज लॉस करता है. को एक्सटिंक्शन होता है जब दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ ही रह सकती हैं, तो जब अगर उसमें से एक स्पीशीज खत्म होती है तो दूसरी स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाती है. जैसे प्लांट और एनिमल की कुछ एसोसिएशंस हैं जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते. पॉलिनेटर है प्लांट, बीज, अगर बीज को कुछ होगा तो प्लांट की पॉलिनेशन नहीं होगी, या प्लांट्स को कुछ ना कुछ होगा, उनकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा तो बीज खत्म हो सकती है. तो व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेंस ऑफ पैरासाइट्स आल्सो मीट द सेम. तो अगर एक होस्ट फिश खत्म होती है तो उसके ऊपर डिपेंड होने वाले पैरासाइट सारे वो भी खत्म हो जाते हैं. अनदर एग्जांपल इन द केस ऑफ कोइवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर. एक भी अगर पॉलिनेटर खत्म हुआ तो प्लांट खत्म हो जाएगा, प्लांट खत्म हुआ तो पॉलिनेटर खत्म हो, इन्हें को एक्सटिंक्शन कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी?
हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए. अब ये पॉइंट आता है, दो रीजंस हो सकते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि लोग जो डायरेक्ट बेनिफिट्स जो ले रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों चाहे लोकल ट्राइबल्स हों, उनको पूरा करने के लिए भी हमें स्पीशीज बचाना जरूरी है, फॉरेस्ट बचाना जरूरी है. और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन तरीकों में हमें ऐसे जो मेजर रोल इकोसिस्टम सर्विसेज जो नेचर हमें दे रहा है उसको बचाने के लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना जरूरी है. So, dwindling Amazonian forest is estimated to produce through photosynthesis 20% ही कुछ biological services है जो ecosystem हमें देता है. We can 20% total oxygen at atmosphere की हमें photosynthesis से मिलती है. Amazon forest ही देता है. Can we put an economic value? इस service के ऊपर हम कोई value नहीं दे सकते. ये अनमोल services हमें ecosystem देते हैं. You can get some idea of एक cylinder की cost कितनी high होती है किसी hospital में. ऑक्सीजन अनमोल है. पॉलिनेशन विदाउट इन विच प्लांट कैन नॉट बियर फ्रूट और सीड्स. तो फ्रूट और सीड्स नहीं मिलेंगे अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो बीज, बम्बल बीज, बैट्स, बर्ड्स, ये सब पॉलिनेटर्स हैं. हम इनको आर्टिफिशियली पॉलिनेशन नहीं करा सकते और नेचुरल पॉलिनेटर्स की जगह नहीं बदल सकते. देर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर, एस्थेटिक प्लेजर, वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स, ये सब इतनी खुशी देते हैं मन को, किसी चिड़िया की आवाज सुनना. हम इन पे इन्हें अनमोल जानों को हम कोई प्राइस नहीं दे सकते. एथिकल आर्गुमेंट्स हैं, हमें कंजर्व करनी पड़ेगी बायोडाइवर्सिटी टू व्हाट वी ओव टू मिलियन ऑफ प्लांट. हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है एनिमल्स की, माइक्रोब्स और इन सब की, प्लैनेट्स की. हम शेयर करते हैं रिस्पांसिबिलिटी. फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली भी हमें रियलाइज करना चाहिए स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यू, इवन इफ वी मे नॉट बी अ करंट ऑफ एनी इकोनॉमिक. हमें चाहे उनसे कोई पैसा ना मिले, कोई हमें प्रॉफिट ना मिले, फिर भी हमें उनके लिए करना चाहिए ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए ऐसे कैसे अच्छे कंडीशन में छोड़ सकें. हम कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन? दो तरीके से कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन में ज़्यादातर ऐसे एरियाज को कंजर्व करना है जो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच हैं, जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं नेशनल, जिन्हें हम नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स ये बनाकर हम इन सिटू ऑन साइट ही कंजर्व कर सकते हैं. पर्टिकुलर बड़े एरिया, स्ट्रेच ऑफ पीस ऑफ लैंड को जो कई एकर्स में फैला है, ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को जो कि तीन हैं इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन कवर्स. एंड ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं इनको ये एंडेमिज्म के हाई डिग्री एंडेमिज्म यहाँ देखी जाती है कि ऐसी स्पीशीज जो कहीं और दुनिया में नहीं है सिर्फ यहाँ मिलती हैं. तो ऐसे एरियाज को बचाने से क्या होता है कि इनकी प्रेजेंट नंबर ऑफ स्पीशीज भी अपने आप ऑटोमेटिकली बच जाती हैं. तो इस तरह के कंजर्वेशन को इंसिटू कंजर्वेशन कहते हैं. और जब हम इस इंसिटू कंजर्वेशन में हाई प्रोटेक्शन रखा जाता है, बहुत रूल्स और लॉज रेगुलेशन बनाए जाते हैं. इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन हैं जो लीगली प्रोटेक्टेड हैं. नेशनल पार्क सेंचुरीज इनमें आती है. इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. इंडिया में रिलीजन्स भी माना जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है पौधों को. और कुछ अरावली हिल्स, मेघालय हिल्स में इनको सेक्रेड ग्रुप्स बोला जाता है. गारो खासी जयंती हिल्स मेघालय में है, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका में. यहाँ पूजा होती है और सरगुजा, चंदा, बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में यहाँ पूजा होती है इन एरियाज की. यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बचती है. मेघालय में सेक्रेड ग्रुप्स और लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स. यहाँ पे बहुत रेयर और थ्रेटन्ड प्लांट्स रहते हैं. सिटू कंजर्वेशन में ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ आर्टिफिशियली जूलॉजिकल पार्क्स को, बॉटानिकल गार्डन्स को, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स को, तो इनमें कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है. जो ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड है उनको पर्टिकुलरली उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए आर्टिफिशियल एरिया में उन्हें कंजर्व कराया जाता है, उसे एक्सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. और नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, गैमेट्स भी प्रिजर्व कर सकते हैं वायबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के, क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग द स्किन टिश्यू कल्चर मेथड्स. एग्स भी हम कर सकते हैं प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए.
टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. सीड्स फॉर डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स एंड ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड. सीड बैंक्स में सीड रखना भी एक से टू कंजर्वेशन में आता है. तो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन. बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरी नेशन, पूरी वर्ल्ड वाइड सारे लोगों की जिम्मेदारी है. तो हिस्टोरिक कन्वेंशन हिस्टोरिकल कन्वेंशन जो कि शुरू हुआ था बायोडाइवर्सिटी के लिए अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था उसे अर्थ समिट बोलते हैं. उन्होंने सारे नेशंस को ये मेजर्स लेने को कहा था कि जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन उसकी बेनिफिट्स मिल सकें. एक फॉलो अप हुआ वर्ल्ड समिट का ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया, अपनी कमिटमेंट दिखाई टू अचीव बाय 2010 तक वो अचीव कर लेंगे इस एम को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने को. और सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है ये सब प्रोग्राम्स होने से. अब रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में बहुत रिडक्शन हो गया है रीजनल और लोकल लेवल्स पे. सो दिस इज फिनिशेस योर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन. आई होप यू अंडरस्टूड एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन अगेन गो थ्रू दिस वीडियो and can pause at certain times and try to listen, try to practice the things, try to learn. So I will wish you happy learning. Thank you.